Assalamu alaikum, dear students. I am Sara Akram and I have recently given my MDK 2022. So here I will be sharing my all experience and what things I just have gone through this whole period and my experience with you all. So let's start it. So first question is that, okay, how should we prepare ourselves for the MDK? और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें. तो मुझे ये लगता है कि उसके लिए तीन मेन चीज़ें होनी चाहिए जिसके लिए हमारा माइंड सेट क्लियर हो कि हमें कैसे करना है. इफ़ यू हैव द आंसर ऑफ दिस थ्री क्वेश्चन दैन फॉर द रीज़न आप कर सकते हैं. तो पहला रीज़न उसका ये होगा क्वेश्चन कि ये आप कर क्यों रहे हैं. यू मस्ट हैव अ सॉलिड रीज़न. क्योंकि ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एंट्री टेस्ट देयर आर सो मेनी टाइम्स आपको ये लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा, ना मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं इतनी सारी मेहनत कर रही हूँ, अगर लास्ट में मुझे इसका आउटकम नहीं मिला तो फिर. क्योंकि इट्स नॉट अबाउट डेज नॉर वीक्स, इट्स अबाउट मंथ्स, इट्स अबाउट ईयर्स. आपकी ईयर्स की स्ट्रगल होती है जिसका आउटपुट आपको आके एंड में मिलता है. तो सबसे पहले आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए मैं क्यों कर रही हूँ. तो मेरे पास सॉलिड रीज़न ये था दैट इट वॉज़ एक्चुअली मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ. क्यों, मैं खुद वो अपने बचपन में बनना चाहते थे बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस वो नहीं बन सके. तो इस वजह से आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप ये कर क्यों रहे हैं. यही रीज़न आपको हेल्प करेगा बाद में कि मैं किस तरह से मेहनत करूँ. दूसरा रीज़न ये होना चाहिए कि मैं अपना टाइम कितने दे रही हूँ स्टडीज़ को. तो मेरा मानना है जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं ना स्टडीज़ को उतना दें, क्योंकि जितना आप देंगे उसका ही आपका आउटपुट मिलेगा, राइट. तो प्रिपरेशन के लिए फॉर एफएससी स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के टेक्स्ट बुक्स को कवर करना है कि जो आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर कि आपका कॉन्सेप्ट उसके लिए क्लियर है. तब आप देख लें कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं. तो आफ्टर रीडिंग योर बुक्स 3 to 4 times जो भी टॉपिक आप अपने क्लासरूम्स में या सेंट्रल अकेडमीज में पढ़ते हैं सबसे पहले उसे पढ़ें ताकि जो टेक्स्ट बुक के अंदर है वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो. आफ्टर वर्ड्स आप आएँ एम सी क्यूज पे, राइट. हर टॉपिक करने के बाद उसके एम सी क्यू सॉल्व करें ताकि वो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो और आपको याद हो. क्योंकि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि एफ एस सी के अंदर हमें अपने टेक्स्ट बुक्स कवर करनी है, लेकिन एंट्री में आने के बाद हम वो एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे, ट्रिक्स लेंगे जिससे हमें हेल्पफुल हो. क्योंकि जो काम आप अभी वहाँ पे 5 मिनट में कर रहे हैं आपको एंट्री टेस्ट में यू वुड हैव हार्डली 1 मिनट फॉर 1 question, राइट. सो सबसे पहले कैलकुलेटर्स को साइड में कर दें अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. या आपका एफएससी से आपका गोल होना चाहिए कि मुझे इतना पढ़ना है. उसके लिए बाद में क्वेश्चन ये आता है कि कुछ कौन सी एमसीक्यूज बुक मैं फॉलो करूँ. तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने कौन कौन सी सॉल्व की. जो मेरा टाइम था उसमें हमें यही क्लियर था, इंटर से मेरा माइंड सेट यही था कि पीएमसी टेस्ट लेने वाली है. तो मुझे ना कि सिर्फ सिंध को देखना है, मुझे पंजाब, फेडरल, ओ लेवल, जितने मैंने अपने सीनियर से पूछा उनके हिसाब से मुझे अपनी तैयारी करनी थी. तो मैंने इंटर से ही सिंध के साथ एफएससी में ही मैंने पंजाब भी पढ़ा, फेडरल भी पढ़ा और एंट्री टेस्ट में मेरी प्रिपरेशन सारी यही थी. लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि लास्ट के 2 weeks में दैट इट वुड बी प्रोवेंशनल कि हम दोबारा उस मोड पर शिफ्ट होने वाले हैं. तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कि इंटर से मैंने उसके लिए पीएमसी के लिए प्रिपरेशन की अपनी, लेकिन लास्ट के 2 weeks में मुझे पता चला कि सिंध गोना टेक टेस्ट, राइट. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हर कंडीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है क्योंकि स्विचिंग होती रहती है, हर साल का मसला है. जैसे कि हमारे साल में हमने इंटर से ही प्रिपरेशन की मगर लास्ट के 2 weeks में हमें पता चला कि सिंध ले रही है, तो हमें उस मोड पर स्विच होना पड़ा. तो अभी इसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है, अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है सिंध जो कि है हमारा. उसके साथ आपने पंजाब के साथ सीख रहे, नो मैटर वॉट के पीएमसी ले रही है या फिर आपका प्रोवेंशनल टेस्ट हो रहा है. क्योंकि एनटीएस का जो टेस्ट हुआ करता था, मैंने जो उसके पास पेपर सॉल्व किए तो उसमें भी ये था, इट वाज नॉट जस्ट फ्रॉम सिंध, सिंध से भी बाहर था, पंजाब से भी था. तो पहले सिंध को अच्छी तरह कवर करें, आपका मेन गोल वो होगा. उसके बाद पीटीबी के सारी बुक्स को आपको अपने साथ रखना है, अगर ज़्यादा भी पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होने वाला, यू विल गेट, यू विल लर्न, ठीक है. तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट बुक्स पे आना है. फॉर एफएससी स्टूडेंट्स अपने बुक्स पढ़ें, रीड करें, उसके बाद उस टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करें एमसीक्यूज पे. वो करने के बाद तब आप देख रहे हैं मैंने टेक्स्ट बुक्स कर ली हैं, ठीक है. मैंने सारे बोर्ड्स पढ़े थे, सिंध भी पढ़ा था एफएससी के अंदर, पंजाब पढ़ा था मैंने, फेडरल भी पढ़ा था, केबीके भी पढ़ा था और उसके साथ मैंने ओ लेवल्स की, बायो की, फिजिक्स की बुक पढ़ी थी और एमसीक्यूज के लिए भी सॉल्व किया था. अगर ये क्वेश्चन हो कि वो उससे मेरे टेस्ट में कुछ आया तो मेरा आंसर नहीं होगा, लेकिन उससे जो चीज़ मैंने सीखी कंसेप्ट, और वही मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस चीज़ पे भागने के बजाय कि जो मैं पढ़ी हूँ एग्जैक्टली मेरे क्वेश्चन में आएगा, ऐसा नहीं होता. आपने कंसेप्ट पे जाना है, क्या मेरा कंसेप्ट क्लियर है.
अगर आप ये जान सकें, अपनी आपकी मेन गोल ये होना चाहिए कि मुझे हर चीज़ का अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आप दूसरी चीज़ पे शिफ्ट होंगे। एम सी क्यूज के लिए मैंने एज आई टोल्ड के पी एम सी टेस्ट लेने वाली थी, तो मैंने अपनी तैयारी पंजाब की जो यूनिवर्सिटी थी उसके हिसाब से की थी। फॉर दैट आई यूज किप्स किप्स की मैंने सिर्फ प्रैक्टिस बुक ही यूज़ की थी, नॉट प्रेप वन, क्योंकि प्रेप के अंदर आपको मुझे लगता है कि नुकसान ही होता है, उसके अंदर थ्योरी होती है। अगर आपको थ्योरी पे ही जाना है तो अपने टेक्स्ट बुक्स पर फोकस करें, ना कि दूसरी बुक्स पे। तो किप्स की प्रैक्टिस बुक्स मस्ट लें, उनमें काफ़ी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरी चीज़, मैंने स्टार अकेडमी जो है पंजाब में उसकी बुक सॉल्व की थी, फिज़िक्स उसकी बेस्ट थी, काफ़ी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा स्टेप अकेडमी है, उसके एम सी क्यूज आप देखें, वो काफ़ी अच्छे हैं, मुझे उनसे हेल्प मिली। दूसरी जो बुक मैंने अपने टाइम पे सॉल्व की वो थी ग्रिप, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको आउट लगेंगे कि मेरे सिलेबस के नहीं है, लेकिन मैंने वो प्रैक्टिस की, बिकॉज वी नो दैट पी एम सी इज़ गोना टेक टेस्ट आफ्टरवर्ड्स। और मेरे एम सी क्यूज़ के बैंक में उमर कोड के एम सी क्यूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, जो मेरे पास बुकलेट थी उसके काफ़ी अच्छी थी, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो उमर कोड के एम सी क्यूज़ अगर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं तो मस्ट चेक देम, राइट। इसके अलावा जो मैंने एम सी क्यू सॉल्व किए, वाइटल की बुक मैंने ले तो ली थी, बट आई डिडेंट फाउंड इट मच यूज़फुल, क्योंकि उसमें ज़्यादा थ्योरी पे वो फोकस करती है, ठीक है, ना कि उसके एम सी क्यूज़ पे। तो आपको टेक्स्ट बुक्स पर अपना जो फोकस करना है, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो अपने टेक्स्ट बुक्स पर ही फोकस करें, राइट। और एम सी क्यूज़ के लिए आप डिफरेंट बुक्स लें, लेकिन वो बुक्स ना बाय करें जिसके अंदर ज़्यादा थ्योरी है। इसके अलावा एम सी क्यूज़ का मैंने बीए बैंक चूज़ किया था, और हैदराबाद के अंदर जो डिफरेंट अकेडमीज़ हैं, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तो उसके आप नोट्स ले सकते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल होंगे। इसके अलावा आप काफ़ी ऑनलाइन टेस्ट दें, मैंने ऑनलाइन टेस्ट काफ़ी सारे दिए थे, तो उनके पास मेरा जो ऑनलाइन का बैंक था वो काफ़ी बड़ा था, हार्ड कॉपी अलग थी और जो मेरी सॉफ्ट कॉपी की बैंक थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो एम सी क्यूज़ के लिए आप जितनी प्रैक्टिस हो सकते हैं करें, लेकिन आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए नहीं कि जो मैंने एम सी क्यू सॉल्व किया वो एग्जैक्टली वैसा ही आएगा, वो नहीं आता, लेकिन उसका कंसेप्ट रिपीट होता है। तो आपका मेन रीज़न और मेन गोल कंसेप्ट पे जाना चाहिए कि क्या मेरा कंसेप्ट क्लियर है। तो कंसेप्ट क्लियर अगर आपका होगा ना, तो पी एम सी ले रहे हैं, सीन ले रहे, यू विल डेफिनेटली शो यू रॉक इट, राइट क्वेश्चन। तो एम सी क्यूज़ के लिए यही था। स्टडी आवर्स, तो मेरे स्टडी आवर्स ये थे कि स्लीप टाइम के अलावा, खाने के अलावा, मैंने एफ एस सी से अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। तो आपको हर चीज़ से हट के, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैरियर बिल्डिंग एयर्स होते हैं एफ एस सी एंड योर एंट्री टेस्ट, तो उसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आपने अपना जितना टाइम है आप मैक्सिमम स्टडीज़ को दे सकते हैं, दें इफ यू वांट टू सक्सीड, राइट। तो यही रूटीन थी। और पढ़ने के लिए मैंने जो मिस्टेक स्टार्ट के 2-3 मंथ्स में की एंट्री टेस्ट की, ये थी कि मैं एम सी क्यूज तो पढ़ती थी, सॉल्व भी करती थी, लेकिन मैंने उनके कॉन्सेप्ट पे जाना छोड़ दिया था। मैंने यही सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एम सी क्यू सॉल्व करूँ, दैट विल बी बेनिफिशियल, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। एम सी क्यू ज़रूर सॉल्व करें, लेकिन उसके साथ जो उसका कंसेप्ट लेंगे वो आपको याद होना चाहिए, ताकि क्योंकि क्वेश्चंस में वो एम सी क्यू रिपीट नहीं होता, उसका कॉन्सेप्ट रिपीट होता है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या वो रिपीट हुआ या नहीं। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस कि आपको ऐसा करना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि एक और चीज़ जो मैंने देखी, एंट्री टेस्ट के टाइम जो बच्चे जिस चीज़ से सफ़र करते हैं, मैंने ये देखा कि एंट्री टेस्ट में बच्चे समझते हैं दैट्स टाइम फॉर सेल्फिश, तो यू शुडन बी सेल्फिश। आपसे जितनी हो सकती है आप दूसरों की हेल्प करें, जो आपके पास है उसे शेयर करें, बिकॉज आई यूज टू डू दैट सेम। मेरे पास जो हार्ड कॉपीज थी मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ सॉल्व की, मेरे पास जो पी डी एफ आती मैंने सॉल्व की, ना कि इस नीयत से कि मैं इनकी मदद करें तो आई वुड हैव सम रिटर्न, मुझे रिटर्न करेंगे नहीं। आप इस नीयत से हेल्प करें कि आप एक इंसान की हेल्प करें, लेकिन उसके रिटर्न में आपके पास अल्लाह ताला की हेल्प आएगी और वो सबसे बड़ी होगी। तो मुझे अपने टाइम पर यही महसूस हुआ, मैंने लोगों की मदद की, मुझे पता था आई वुड हैव नो रिटर्न, मुझे चाहिए भी नहीं था, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से मांगा था। तो जितना हो सकता है हेल्प करें, आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे अपने मार्क्स बढ़ाने, मुझे दूसरों के मार्क्स के कम होने से खुशी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, हमेशा अपना कॉम्पिटिशन अपने आप से रखें, ये नहीं कि बराबर वाला मेरा हरीफ है। आपका ओपोनेंट ये होता है कि क्या आज वाला मैं कल वाले से बेहतर है। मैंने हमेशा यही सोचा कि आज वाली सारा कल वाली सारे से बेहतर है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई, राधा दिन आप दूसरों को देख रहे हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स लाएँ। और हेल्प अदर्स प्लीज़, क्योंकि उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, इसलिए क्योंकि मैं इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने बहुत पढ़ा। अगर आप यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा पढ़ने के बाद भी ना रहें, सो प्लीज़ हेल्प अदर्स। मैं इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने बहुत पढ़ा, बहुत बहुत पढ़ा, मैं भी कहूँगी मुझसे शायद ज़्यादा पढ़ा, लेकिन स्टिल दे गॉट नो गुड मार्क्स, ठीक है। तो उसका रीज़न मुझे ये लगा कि हम जैसा अपने लिए सोच रहे हैं, हमें बराबर वाले के लिए वैसा ही सोचना चाहिए।
हम इस बात पे यकीन नहीं रखते कि हमें लगता है हम जितनी मेहनत करेंगे हमें मिल जाएगी, लेकिन इस चीज़ का काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है कि हम जब दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला की हेल्प हमारे लिए ज़रूर आती है। मेरे लिए आई वुड से दिस, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला से यही मांगा था कि मैं उन लोगों की हेल्प करूँ, अल्लाह मेरी भी हेल्प करेगा, ठीक है, और ऐसा हुआ। अगर मेरे टेस्ट की बात की जाए, दैट हाउ वॉज माई टेस्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्रू आउट द टाइम, ये काफ़ी लंबा पीरियड होता है कि एंट्री टेस्ट का, तो उसमें आपके लिए आपको इमोशनली मोटिवेटेड रहना होता है, क्योंकि देयर सेवरल टाइम्स यू फील कि मुझे नहीं आ रहा, मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन उस टाइम आपको स्टक नहीं होना कि मुझसे नहीं हो रहा, आपको उस चीज़ पे लगे रहना है जो आपसे सॉल्व नहीं हुई, उसे टाइम देना है जितना हो सकते हैं दें, बट बी मोटिवेशनली आई कैन से कॉन्फिडेंट, राइट, क्योंकि वो आपकी काफ़ी बड़ी हेल्प कम हेल्प तौर पर आती है। और एंट्री टेस्ट के लिए जो बच्चों को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में मसला हुआ वो था उनकी टाइम मैनेजमेंट, दैट हाउ शुड वी मैनेज अवर टाइम। तो मैं ये करती थी सॉल्व करते वक्त कि सबसे पहले मैं एक बार पेपर को सॉल्व कर लिया करती थी, फिर मैं उसे दोबारा रीड देती और लास्ट में आकर मैं उसकी OMAT शीट सॉल्व करती थी, ताकि 3-4 बार मैंने MCQs देख लिया है उसके बाद मैं उसे फिल करूँ। तो मेरा एंट्री टेस्ट का पेपर जो मैंने फर्स्ट रीड दी थी पेपर को, वो 1.5 आवर में हो गई थी, पूरा पेपर मैंने रीड कर लिया था। उसके बाद मैंने दोबारा उसे रीड करना स्टार्ट किया, तो मुझे उसमें और अपनी मिस्टेक्स नज़र आई, फिर मैंने उन्हें करेक्ट करना स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंशन नहीं लेनी होती, टेंशन जितनी हम लेते हैं उतना ही हमारे यूज़फुल नहीं होता, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता, मस्ट बी पीसफुल कि इतना दिमाग मुझे क्लियर करके पढ़ना है, तो उसके लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हैं करें। पहली बात यही कहूँगी कि बी काम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुडंट टेक टेंशन, और कुछ मेहनत के बगैर आपको नहीं मिलता, और तब आप कुछ इनपुट दे रहे हैं ना, तो आपको सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ों से बायकॉट किया, 4-3 ईयर्स मैंने तकरीबन कोई मैरिज अटेंड नहीं की, राइट, मैंने अपने स्कूल के इवेंट्स भी स्किप किए, और वो सबसे बड़ी चीज़ थी बिकॉज आई वॉज द हाईलाइटेड स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज, राइट। तो उसके बाद मैंने अपने इवेंट्स भी मिस किए, लेकिन उसके बाद आई वुड से लाइक मुझे इसका आउटकम काफ़ी अच्छा मिला। तो यही है कि टाइम कुछ पीरियड का होता है जो डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कैरियर बिल्डिंग ईयर होता है, आप इसमें अपना इनपुट देंगे तो इंशाल्लाह यू वुड हैव दिस, क्योंकि आपको ये जहन बनाकर जाना चाहिए कि क्राउड बहुत बड़ा था। इन हैदराबाद देयर वर 16,000 स्टूडेंट्स, कराची में इससे बड़ा क्राउड था, सखर अलग था, मेपुर खास अलग था, और सीट्स वी नो दैट हाउ मेनी दे आर फॉर इंटीरियर स्टूडेंट्स, फॉर सेंट लम्स की 350, फॉर पम्प्स इट्स 250, फॉर बिलावल इट्स 100, एंड यू सी द क्राउड। तो उस क्राउड में तब इतने कम बच्चों की सिलेक्शन होने, तो उन्होंने कुछ ऐसा तो किया होगा ना जो कि डिफरेंट था उन लोगों से, तो आपको अपना इनपुट उतना ही देना पड़ेगा, हर चीज़ से बायकॉट होना पड़ेगा, देन यू विल सक्सीड। एंट्री टेस्ट के पेपर के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो व्हाट आई फाउंड इट वाज मोस्टली फ्रॉम सिंध, मगर कुछ क्वेश्चन उसके ऐसे थे जो थोड़े आउट थे, हमारे बुक्स में नहीं थे। तो मैंने आपसे दोबारा यही कहा, तब NTSB पेपर लेती थी, इट वॉज़ नॉट ऑल फ्रॉम सिंध, पंजाब से भी आता था, तो अभी के लिए आप सिंध भी पढ़ें लेकिन पंजाब के साथ उसे रखें। मैं एक और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ, मैंने नम्स का टेस्ट दिया था, राइट, तो मैंने इस दिमाग बना के नहीं दिया था कि मुझे नम्स में जाना है या वहाँ पे AMC है वगैरह वगैरह, इवन दो मुझे बाद में पता चला कि AMC की सीट्स कितनी है, तब मैंने टेस्ट दे दिया था, उसका रिजल्ट आ गया था, देन आई गॉट टू नो दैट व्हाट इट इज़ यूनिवर्सिटी, वो जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जाना चाहते हैं, तो वो मैं दिमाग बना कर नहीं गई थी टेस्ट वाले टाइम, और मैंने वहाँ पे काफ़ी बड़ी मिस्टेक की। वो मिस्टेक ये थी कि हम पहले लगता है हम क्वेश्चन टिक कर रहे होते हैं, राइट, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने अपने 5-6 क्वेश्चंस के ऑप्शंस चेंज कर दिए, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कन्फ्यूज़ होकर वो 5-6 क्वेश्चंस अपने चेंज कर दिए, जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज थोड़ी कम हो गई। पहले मैंने रिसीव की थी अराउंड 90, लेकिन अगर मैं 5-6 क्वेश्चंस और सही करती तो शायद मुझे कन्फर्मेशन होती वहाँ की, लेकिन मैंने वही मिस्टेक MDKAT में नहीं की, दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम देयर। तो जो आपको क्वेश्चन लगता है ना, बी कॉन्फिडेंट ऑन इट, जो आपको उसका आंसर लग रहा है, आपने किसी चीज़ को देख के अपना क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं करना, एंड दैट वुडंट बी फ्रूटफुल आई वुड से। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर गाइडलाइन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जिसने पहले MDKAT दिया हो, सो डोंट बी वरी, आई वॉज द, तो मेरी सिस्टर्स ने भी MDKAT दिया था, बट 6 ईयर्स अगो, तब उन्होंने दिया था ना, तो उन्होंने NTSA दिया था, बट मेरा PMC देने वाली थी, सो गाइडलाइन का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। मेरी सिस्टर्स ने मुझे गाइडलाइन दी, लेकिन जो उनकी रूटीन थी ना, जो वो फॉलो करती थी,
मैंने उससे बिल्कुल ऑपोजिट फॉलो किया. वो पहले OMR शीट जस्ट लाइक जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती थी उसी टाइम उसे फिल कर देती थी, लेकिन मैं हमेशा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में अपनी OMR शीट करती थी. इसी तरह से वो ज़्यादा बुक्स रीड पे अपना फोकस करती थी, लेकिन मैं बुक्स रीडिंग के साथ MCQs पे भी करती थी. तो अगर आप गाइडलाइन का सोच रहे ना, तो डू वॉट वॉट यू वॉन्ट. आप एक अलग एंटिटी हैं, आपकी सोच और आपको जिससे समझ आ रहा है वो दूसरे से डिफरेंट होगा. तो जब वो दूसरे से डिफरेंट होगा, डजेंट मीन अगर आपके घर में कोई एमडीकेट वाला नहीं है, आप अपनी गाइडलाइन खुद हैं. तब मेरा PMC का था, तो मुझे उन लोगों से कंसर्न था जिन्होंने लास्ट ईयर दिया. मैंने अपने सीनियर्स को ढूंढा. तो आपने भी यही करना है, जितनी गाइडेंस हो सकते हैं कलेक्ट करें, लोगों से करें और अपनी गाइडेंस खुद बनाएं. बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एंट्री टेस्ट, सो मेनी पीपल सेड मी ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि आपकी प्रिपरेशन का मेथड सही नहीं है, या फिर एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन ऐसी नहीं होती, यू आर गोइंग इन रॉन्ग वे. सो प्लीज़ डू वॉट जिससे आपको लग रहा है कि मेरा सही जा रहा है उस पर जाएँ. मैंने ये चीज़ सुनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट वेरी हाई मार्क्स इन माई MDKIT. सो मेरा भी आपसे यही कहना है कि उस चीज़ पे मेथड पे जाएं जो आपको लगता है मुझे सही लग रहा है. आपने सब लोगों से पूछना है, योर सीनियर्स, लेकिन करना वो है जो आपको सही लग रहा है. ओके, थैंक्स. अल्लाह हाफिज़. रिमेंबर मी इन माई यू प्रेयर्स.